हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मंशा। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ नाइफ पेंटिंग कैसे करते हैं, स्पेशली फॉर बिगनर्स। एक्चुअली मैंने आर्टिस्ट कैनवास पैड लिया है एंड आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर्स लिए हैं। देन मैं हमने कैनवास पैड पे चारों तरफ मास्किंग टेप अप्लाई कर दिया है। तो हमको ध्यान देना है, एक एक सेंटीमीटर का गैप ही लेकर मास्किंग टेप लगाना है और नाइफ के थ्रू अपने कलर्स अप्लाई करने हैं अपने कैनवास पे। कलर्स लेते वक्त हमको ध्यान रखना है कि हमको कलर प्रॉपर मिक्स नहीं करना है, मिक्स करना है ताकि हम जब टेक्सचर दें नाइफ से तो वो टेक्सचर दिखना चाहिए, कलर का रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। तो वो प्लास्टिक लुक आता है पेंटिंग करते वक्त। वो कलर मैंने चारों तरफ बैकग्राउंड में अप्लाई किया है, विंडो के कुछ फोर पार्ट में डिवाइड किया है। फोर पार्ट डिवाइड करने के बाद उसको भी कलर करेंगे। कलर अप्लाई करने से पहले हमको नाइफ पेंटिंग में भी ये ध्यान रखना है कि हमको हमारे पेंटिंग में वो डार्क मीडियम और लाइट टोन दिखे। ज़रूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए। तो ऐसे हम विंडो का कलर करेंगे। देन आफ्टर दैट हम लोग डोर सेम प्रोसीजर फॉलो करके डोर ड्रॉ करेंगे। डोर के अंदर के पार्ट का और प्लस बाहर के पार्ट दोनों में वो इफ़ेक्ट दिखना चाहिए। इसके लिए वहाँ पे भी हमको डार्क और लाइट टोन ध्यान में रखनी है। इसके बाद ट्री ड्रॉ करेंगे। आपको मेरी नाइफ पेंटिंग कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।